हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल चॉकबोर्ड। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। अब एफडब्ल्यू टेलर ने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड किए हैं, तो सबसे पहले एफडब्ल्यू टेलर के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। एफडब्ल्यू टेलर है क्या, है कौन? तो ये जो भाई साहब हैं, मतलब एफडब्ल्यू टेलर जो हैं, ये बॉर्न कब हुए थे? 1856 को। कहाँ? यूएसए में बॉर्न हुए थे। और ये इन 1878 में इन्होंने ज्वाइन किया था क्या, मिडवेल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को यूज करते हुए टेलर ने कुछ साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स को डेवलप्ड किया। He was primarily concerned about the efficiency of workers and optimum utilization of resources. इनका primary, इनका basic, इनका main एक ही concern था about the efficiency of workers and optimum utilization of resources. So बढ़ते हैं first scientific principle of management की, जो कि साइंस नॉट रूल ऑफ थम। जो साइंस है, ये जो कॉमा है, साइंस रहे लेकिन नॉट रूल ऑफ थम बना रहे, ये समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टेलर ने ऐसा इंसिस्ट किया कि जो भी जॉब, ईच जॉब परफॉर्म किए जाए ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस पे बेस्ड होने चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होने चाहिए। और एंड डू नॉट इंट्यूशन एक्सपीरियंस एंड हिट मिस मेथड। एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होने चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी पे ही बेस्ड होने चाहिए। अब रूल ऑफ थंब इज डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर एज साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स एंड वे ऑफ प्रोडक्शन। तो रूल ऑफ थंब का सिंपल मतलब समझते हैं कि जो पहले से चला आ रहा हो उसी टेक्निक को हम लोग यूज करते आ रहे हो। टेलर ने उसी चीज को हटाया कि जो भी डिसीजन लिए जाए वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे ही लिए जाए, ना कि पुराने तरीके से। एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, उसी पे वो सारे जॉब के डिसीजंस लिए जाए। सो रूल ऑफ थंब क्या है? डिक्टेटरशिप है। किसका डिक्टेटरशिप है? मैनेजर का। वेयर साइंटिफिक डिसीजन किस पे बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स एंड वे ऑफ प्रोडक्शन। टेलर बिलीव करते थे दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। एक ही बेस्ट मेथड है मैक्सिमाइज करने का एफिशिएंसी को। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू, और वो मेथड कहां से डेवलप्ड हुआ है? वर्क स्टडी और एनालिसिस से। तो बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब यहाँ पे भी जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब था, वैसे यहाँ पे हार्मोनी रहे लेकिन नॉट डिस्कॉर्ड ना रहे, ठीक है। इन दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन, किसमें वर्क करें? कहाँ वर्क करेंगे? हार्मोनी के साथ वर्क करेंगे। हार्मोनी मतलब होता क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट रहे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे। जनरली इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ मैनेजमेंट, पहला तो पीपल वर्क और दूसरा क्या रहता था? मैनेजमेंट। एंड बोथ द ग्रुप फील लाइक दे आर अंडरपेड एंड दे आर ओवरबर्डन विद द work and management always feel that workers are good for nothing. Simple सा मतलब ये समझेंगे कि जो management था, ये जो management को दो group में, organization में दो group में बांटा गया, एक तो worker group में, एक को management group में, तो वो दोनों लोग ऐसा feel करते थे कि कोई superior है कोई inferior है, या तो ऐसे समझेंगे कि दोनों लोग क्या फील करते, वो कोई underpaid है या overburdened है, ऐसा feel करते थे हम लोग। तो हार्मोनी और डिस्कॉर्ड ने यही बारे में कहा है कि इस चीज को हटाना होगा, मतलब पॉजिटिविटी लानी होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लानी होगी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लानी होगी किसके बीच? पीपल ऑफ वर्कर ग्रुप में और मैनेजमेंट ग्रुप में। और ये जो डैट ग्रुप फील डैट दे आर अंडर पेड एंड ओवर बर्डन, ये दोनों चीज को हटाना होगा। टेलर ने ये भी इंसिस्ट किया दैट देयर इज नीड फॉर द बोथ ग्रुप्स टू चेंज द एटीट्यूड्स। अपने अपने एटीट्यूड्स एक दूसरे के लिए चेंज करें, अपने अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए चेंज करें, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लाए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट लाए। उनको ऐसा सोचना चाहिए कि वो एक ही सेम फैमिली में ही रह के काम कर रहे हैं। एक अच्छा एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, एक लाइट एटीट्यूड लाए अपने अंदर। दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर। उनको नेगेटिविटी को हटा के अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लानी होगी एक दूसरे के लिए। यही था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी ले रहे लेकिन डिस्कॉर्ड ना रहे। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी रहे मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिविटी रहे किसके बीच में? पीपल वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप में। देन है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या ये एक्सटेंशन है। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड इन कोऑपरेशन। जितने भी वर्क कैरी किए जाएंगे कैसे किए जाएंगे? कोऑपरेशन के थ्रू किए जाएंगे, विथ ईच अदर, विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। एक दूसरे के पास, एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे के लिए म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल ट्रस्ट रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। वर्कर और मैनेजर एक पॉजिटिविटी एटीट्यूड रहना चाहिए। मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन। दो वर्कर और मैनेजर्स जो रहेंगे कोऑपरेशन में वर्क करेंगे। टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज।
ओके, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन ट्रेनिंग. वर्कर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड होती थी? किस पे? प्रॉपर ट्रेनिंग पे. एंड देयर सिलेक्शन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज. एक बार जब एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाते हैं एंड आफ्टर सिलेक्शन दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. अब सिलेक्ट हो गए तो उनको अकॉर्डिंग टू दियर क्वालिफिकेशन क्या दिया जाएगा? उन्हें क्वालिफिकेशन, उन्हें अथॉरिटी. अकॉर्डिंग टू दियर क्वालिफिकेशन उन्हें एम्प्लॉय को उस ट्रेनिंग पे या उस जॉब पे सेंड किया जाएगा और उस जॉब के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी टाइम टू टाइम. और टाइम टू टाइम क्या किया जाएगा? अपडेट दिया जाएगा दियर नॉलेज. मतलब जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनसे उनको अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो जल्द अपग्रेड होते हो, अपग्रेड हो. ओके, सिंपल से इसका ये मतलब है कि आफ्टर सेलेक्टिंग जो एम्प्लॉयज को उनको अकॉर्डिंग टू दियर क्वालिफिकेशन पहले जॉब पे रखना चाहिए, देन उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए और टाइम टू टाइम उनके नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए. ओके, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर. अब टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट भी डेवलप्ड किया और कुछ टेक्निक्स भी डेवलप्ड किए. तो कॉमन टेक्निक क्या क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप. इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्ट करते थे क्या? द डिविजन ऑफ फैक्ट्री इन टू डिपार्टमेंट. फैक्ट्री का डिविजन दो डिपार्टमेंट पे हो, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एज टेलर फेल्ट दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम दी बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्कर एंड प्रोडक्शन. टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सेम फंक्शनल एस्पेक्ट्स टू सुपरवाइज गाइड एंड इंस्ट्रक्ट दी वर्कर. सेम फंक्शनल एस्पेक्ट्स हो किस क्या करने के लिए? सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए और इंस्ट्रक्ट करने के लिए किसको? वर्कर्स को. देन है कुछ एट फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं सजेस्टेड बाय टेलर अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट. रूट क्लर्क, इसका क्या मतलब है? दीज फोरमैन. फोरमैन मतलब लोअर लेवल पे आता है. हम लोग पढ़े थे ना टॉप, मिडिल, लोअर. तो फोरमैन क्या होता है? सुपरवाइज करता है, वो लोअर लेवल पे आता है. तो दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. जो फोरमैन रहता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फिक्स करने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. इंस्ट्रक्शन एंड कार क्लर्क, तो फोरमैन का और भी काम होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो वर्कर को वो इंस्ट्रक्ट करे, गाइड करे, ठीक है, नेसेसरी टू कैरी ऑन जॉब इन स्पेशलाइज्ड मैनर. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग द जॉब. ये फोरमैन किस चीज के लिए होता है या ये सुपरवाइजर किस चीज के लिए होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिक्स करने के लिए टाइम फॉर स्टार्टिंग द कम्प्लीशन ऑफ जॉब. मतलब जल्द से जल्दी वो जो जॉब या टास्क दी गया वो कम्प्लीट हो, या तो टाइम पे कम्प्लीट हो, ऑन द टाइम. ही ऑल्सो प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ फॉर एवरी जॉब. और ये क्या प्रिपेयर करते हैं? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं एवरी जॉब के लिए, ठीक है. सो एक बार फिर समझ लेते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कम्प्लीटिंग द जॉब. एक टाइम फिक्स करते हैं टाइम किसी भी जॉब को स्टार्ट करने से पहले और खत्म करने से पहले, कि कब वो जॉब स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म हो रहा है. और ये प्रिपेयर करते हैं क्या? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं एवरी जॉब के लिए. डिसिप्लिनरी क्या होता है? दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली. जो भी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, क्या वो सिक्वेंस से हो रहा है, सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, ऑर्डरली हो रहा है, ये उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फिर क्या है? गैंग बॉस. कुछ फोर अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में आते हैं, जिसको हम लोग लोअर लेवल भी कहते हैं. ऑपरेशनल मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऊपर हम एक बार लिख दे रहे हैं. ऑपरेशनल नंबर मतलब होता है लोअर लेवल में आते हैं ये. ओके, ये याद रखिएगा. सो गैंग बॉस क्या होता है? गैंग बॉस ही अरेंज ऑल द मशीन्स. ही अरेंजमेंट, सिंपल सी चीज है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज या अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज करते हैं. ये अरेंज करते हैं मशीन्स, टूल्स और अदर रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब. सो दैट देयर इज नो डिले. समझ गए होंगे आप लोग. फिर क्या है? स्पीड बॉस. दिस फोरमैन एश्योर्स टाइमली कम्प्लीशन ऑफ जॉब. क्या वो जॉब टाइमली या टास्क या कुछ टास्क या जॉब टाइमली कंप्लीट हो रहा है? स्पीड बॉस या फोरमैन उसे कंसिडर करते हैं, श्योर करते हैं कोई भी जॉब कंप्लीट हो रहा है टाइम पे. रिपेयर बॉस क्या होता है? अब जितने भी मशीन्स टूल्स रहेंगे उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन चाहिए, मतलब उनको रिपेयर होना चाहिए. अगर उसमें कोई भी दिक्कत आए तो रिपेयर बॉस रहेंगे, इंश्योर करना कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन टूल्स हो रहा है कि नहीं, कोई भी मशीन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क होगा तो उसको ठीक किया जाएगा. इंस्पेक्टर क्या होता है? चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क. किसी भी वर्क की क्वालिटी को चेक करना. ओके, अब आता है वर्क स्टडी. इट इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट.
एंड गेटिंग बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एवरी फैक्टर. मैक्सिमम प्रोडक्शन हो मिनिमम कॉस्ट में और बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूशन आए. ओके, सो इसमें फर्स्ट है क्या है, फैटिक स्टडी. फैटिक स्टडी क्या होता है, दी पर्सन इज बाउंड टू गेट फायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कोई एक वर्कर या पर्सन किसी भी वर्क को लंबे समय तक करता है तो क्या होता है, उसको डर रहता है कि वो फायर ना हो जाए, वो निकल ना जाए. देयर इज ऑलवेज नीड फॉर द रेस्ट इंटरवल. अब इससे क्या मतलब है, कोई भी वर्कर अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी. उसको हमेशा कुछ टाइम के लिए इंटरवल के लिए जरूरत है, मतलब उसको कुछ रेस्ट की जरूरत है. कोई आदमी या कोई इंसान लगातार काम करते जो उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है. सो टेलर ने इन सब चीज को देखते हुए सजेस्ट किया, ऑब्जर्व करते हुए सजेस्ट किया, जो एवरेज वर्कर रहते हैं व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब, जब ये परफॉर्म करते हैं जॉब तो उनको नोक डाउन करिए, उनके टाइम को नोक डाउन करिए. जब वर्कर स्टार्ट कर रहे हैं टायर्ड होना, मतलब थक जा रहे हैं, व्हेन इज एफिशिएंसी लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग. एफिशिएंसी लेवल क्या डिक्रीजिंग होने स्टार्ट हो जा रही है, तब उनको क्या दें हम लोग, ब्रेक दें. ऐसे हम लोग जब किसी भी वर्कर को ब्रेक देंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उनको रेस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद वो उसी वर्क को आफ्टर रेस्ट अच्छे से करेंगे, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी. देन है मैथिक स्टडी. दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ वे ऑफ डूइंग जॉब. एक मेथड क्या है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड, बेस्ट टेक्निक किसी भी जॉब को करने का विथ मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, विथ मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ resources. टेलर ने ऐसा सजेस्ट किया, द मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइड बाय द रूल ऑफ, कोई भी मेथड हो वो रूल ऑफ थंब के तौर पे नहीं डिसाइड होगा, ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. और मेन ऑब्जेक्टिव रहता है मेथिक स्टडी का कि वो क्या करे, मिनिमाइज करे किसको, कॉस्ट को, ठीक है. एक अच्छा सा अच्छा टेक्निक लगाएं, मेथड लगाएं किसी भी जॉब को करने का जिससे मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो और मिनिमाइज करे कॉस्ट. Okay, then a time study. This is to determine the standard of time. The objective of the time study is to determine the standard of time and taken by a work number of worker to be employed. Taylor ने suggest किया है कि like the time required to perform the job should not be decided by the intuition. जितने भी time required होंगे किसी भी जॉब को करने के लिए वो इंट्यूशन के तौर पर डिसाइड नहीं होने चाहिए, वो किस पे, साइंटिफिक इंक्वायरी पे, साइंटिफिकली डिसाइड होने चाहिए. ओके, ना कि एक्सपीरियंस पे, ना कि इंस्टीट्यूशन पे. ओके, वो साइंटिफिक इंक्वायरी के तौर पर डिसाइड होने चाहिए. क्या डिसाइड होने चाहिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब. मोशन स्टडी. दिस टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स. ये क्या डिटरमाइन करता है, वर्कर के मूवमेंट को, वर्कर के मोशंस को, when they are performing, जब वो perform कर रहे हैं. The objective of motion studies to determine, identify wasteful and unnecessary movement. जितने भी workers wasteful या unnecessary movement करते हैं उनको observe करने के लिए, उनको identify करने के लिए, वो होता है motion study का objective. And eliminate, और क्या करना चाहिए, eliminate करना चाहिए किसको, them to determine the best way of doing job, doing a particular job. ओके, देन एक डिफरेंशियल पीस ऑफ फेस सिस्टम. इसका मतलब क्या होता है, ये जो टेक्निक होता है वो इम्फेसिस होता है ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्क एम्प्लॉइज. टेलर हैज सजेस्टेड टू टाइप ऑफ पीस रेट. टेलर ने सजेस्ट किया कितने टाइप ऑफ पीस रेट, टू टाइप ऑफ पीस रेट. पहला तो एक हायर रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, लोअर रहेगा. हायर पीस रेट फॉर उन वर्कर के लिए रहेगा जो अबव द स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं विद इन फिक्स्ड स्टैंडर्ड टाइम. एंड लोअर पीस रेट क्या रहेगा, उन वर्कर के लिए जो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, कम से कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए रहेगा डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम. ओके, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. बाय बाय.